वेलकम टू द airexam.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी, और आज पढ़ रहे हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11। हम ये देखने की कोशिश करेंगे आज कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी नंबर जो है वो जो नंबर है वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कोई भी संख्या को यदि मैं ये जांचना हो कि वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं, तो इसका तरीका क्या है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है तरीका आपने पहले कभी सीखा नहीं होगा, आपने 11 से डिविजिबिलिटी सीखी होगी, लेकिन शायद जिस तरीके से आज सिखाया जाए हो सकता है उस तरीके से आपने ना सीखा हो। ठीक है, हो सकता है वो तरीका आपके लिए नया हो, कुछ अच्छा लगे आपको, कुछ चीजें समझ में आए, तो शायद आप उस चीज को आगे यूज कर पाएंगे। तो धीरे से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिविजिबल बाय 11 चेक की जाती है और इसका किस तरीके से हम अपने एग्जाम टाइम पर इसे यूज करते हैं। ठीक, चलो देखिए, एक तरीका जो है आपने सीखा होगा वो कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हो 8683686, ऐसा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको चेक करनी है कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या सिखाया था कि ऐसा करना कि सम ऑफ जो इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस में वो नंबर लेना। ठीक है, तो हमने लिया 8 + 8 + 6 + 6 और ये वाले नंबर 6, 3 और 8, इन सब नंबर को लेना। ठीक है, और इनका निकालना क्या, टोटल करके डिफरेंस। यदि ये डिफरेंस जो है वो 11 से या 0 का 0 या फिर 11 का मल्टीपल, तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। ठीक, माइनस 6 और 3 9, 9 और 8 17, कितना आ गया 11। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है, एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अभी जो आपने सीखा वो सिखा रहे हैं, ठीक है, एक और तरीका होता है वो भी सिखाएंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है 5973, हमें नंबर चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो ऐसे चेक कर सकते हैं कि 5 और 7 दोनों जोड़ दिए, 5 + 7 और एक नंबर 9, 9 + 3, इन दोनों डिफरेंस निकल दिए, ये भी 12, ये भी 12, कितना आ गया 0। ठीक, अच्छा तरीका है, इससे आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपकी समझ आ गया, वो कर क्या रहे हैं, जो ऑड प्लेसेस है ये इनके दोनों टोटल लेवल, या फिर कह सकते हैं एक एक नंबर छोड़ के ले लिया। ठीक है, 5 के लिया तो 9 छोड़ दिया, 7 ले लिया, 5 लिया 7 दिया, फिर जो बच गए वो 9 और 3, तो वो ऐड करके दोनों को सॉफ्ट माइनस कर दिए। यदि ये नंबर जो आ रहा है वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल है, तो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका और होता है, उसे भी सीख लेते हैं, जो जब जहां जैसी जरूरत का आपको महसूस हो कि हमें इस तरीके को यूज करना चाहिए, तो हम उसी तरीके को यूज कर सकते हैं, जब आपको जो अच्छा हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये खराब है, ठीक है, ये आसान है ये टफ है, आपकी जो समझ में आ जाए वही आसान है, आप जिसे यूज कर पाए वही सबसे अच्छा है। ठीक, सीखते हैं। तो जैसे कोई नंबर लिखा, बहुत छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे नंबर लिखा है 253, आपको चेक करना है कि नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, वैसे जैसे भाग करके देख लेंगे, सीख रहे हैं इसलिए कि पीछे से 2 डिजिट की पेयर बनाने,
और जो रह गया वो एक सिंगल रह जाए, ठीक है, मान ली चार डिजिट होती तो दो पेयर बन जाते हैं, लेकिन नहीं आ नहीं बन पा रहे। अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें जो पेयर बना है उन पेयर को जोड़ते जाओ, एक पेयर रहना है 53 का और एक पेयर बना है किसका, 2 का, कितना हो गया 55। क्या 55 11 से भाग होता है, हो जाता है, 55 11 से डिविजिबल होता है, होता है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई नहीं। और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा है 2585, ये चेक करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप दो दो डिजिट के पेयर बनाइए, ये बनाए ये बनाए, 85 प्लस 20 कितना हो गया 110, 110 11 से डिवाइड होता है, तो ये भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बात समझ आई नहीं। और देखिए कुछ नंबर, जिसमें कोई नंबर लिखा है 8 4 1 2 3 11, कोई भी ऐसे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या नंबर लिखा है, बस हमने देख लिया, एक तो होता है। अब आप कैसे ना दो डिजिट की बनाइए, 1 2 3 और 4, अब देखिए कितना होगा 84, ऐसे डिवाइड करते 84 12 31 70, 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14, 2 और 3 5 5 और 1 6 और 11 से भाग हो जाता है, 11 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, बात क्लियर आई, समझ या नहीं, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब जैसे ये कह दिया जाए 144 है, इसमें क्या ऐड कर दें, 144 में क्या ऐड कर दें कि 11 से भाग हो जाए, 144 में बताइए जरा, ठीक है, 144 में क्या ऐड कर दें कि 11 से भाग हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 11 बन जाए 11 और 34 बन जाए, यदि यहां पर 10 और ऐड कर दें हम तो हो जाएगा 4 और ये 5 और ये 1, 154 तो डिवाइड होता है 11 से, 11 बन जाए 11, 11 4 जाए 44, ठीक है। तो ऐसे यदि इस नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पूरे नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए, इस पूरे नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए कि नंबर जो है पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे क्या ऐड कर दें, साहब इसमें ऐड कर दो 10, क्योंकि फिर कहानी बस इतनी चेंज होगी, यहां पर जो 17 है, यहां पर जो 17 हमने ऐड किया है, ये जो 17 हमने ऐड किया है, यहां पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक, और ये 27 है तो 150 है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, बात समझ आई नहीं आई। कोई ये पूछता कि इसमें से क्या माइनस कर दिए कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो आपको पता है कि 143 डिवाइड होता है, माइनस 1 कर दिया जाए, माइनस 144 है टोटल आ रहा, माइनस 1 कर दिया तो 143 हो जाएगा, और ये डिवाइड होता है 11 से, तो इसमें से भी एक माइनस कर दो, यहाँ माइनस 1 कर दो, तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाता कि यदि 17 माइनस 1 यहाँ लिखते ही तो मतलब 16 लिखा था, 16 यहाँ लिखा था, तो भाई ओबियसली 143 आया था, तो नंबर क्या होता है 11 से डिवाइड हो जाता, बात समझ आए, ये एक तरीका था, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे इस चीज को समझने सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपसे कोई भी क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, एक नंबर में लिखा गया 5 3 8 2 8 5, ये नंबर लिखा है, आपको चेक करना है कि नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए, ये दो दो डिजिट की बनाए 8 5 13 10 5 3 8, अब देखिए 53 82 85 5 और 2 7 और 3 10 5 और 8 13 13 और 8 21 और 1 22, 220 है, 220 11 से भाग होता है तो पूरा नंबर हो जाएगा। एक तरीका आपने ये सीखा, और एक तरीका क्या सीखा है कि ये नंबर लेने, पहले ये नंबर लेने 5 8 और 8 5 प्लस 8 प्लस 8,
फिर बाकी बचे हुए नंबर जैसे ये बच गया तीन, ये दो बच गया और पांच, तीन और दो पांच और पांच दस ले लिया सीधी दस को, कितना हो गया सोलह और पांच इक्कीस, 21 माइनस 10 कितना आ गया 11, 11 भाग होता है 11 से, बिल्कुल होता है। जब यहाँ पर कोई 11 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाएगा ठीक है, या फिर जीरो आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स डिवाइड। एक तरीका यही और एक तरीका ये, आप किसी भी तरीके से जाके अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या ये नंबर 111 से डिवाइड होता है, 111 से ये पूछ लीजिए, तो इस तरीके का तो पता नहीं ठीक है क्या होगा, फेल हो जाएगा, मतलब इस तरीके को यूज नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन इस तरीके को हमेशा ये चेक कर सकते हैं, बस यहाँ पे तीन डिजिट ना आपको पेयर जो तीन तीन डिजिट के बनाने होंगे ठीक है, क्या बनाने होंगे, तीन तीन डिजिट के पेयर बनाने होंगे। जैसे आपको यही क्वेश्चन है, अब पेयर कैसे बनेंगे, एक तो पेयर बनेगा 538 और एक 285, 538 और पेयर हमेशा पीछे से बनाने ठीक है, और 285 आठ और पांच 13, तीन और आठ 11 और एक 12, पांच और दो 7 और एक 8, 111 से इसे डिवाइड करके देखिए ठीक है, ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, 111 से सात बार जाएगा तो 777 आ जाएगा और आठ बार जाएगा 888 आ जाएगा, तो नंबर जो है 111 से डिवाइड नहीं। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार और तीसरा ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है 26085, आपको चेक करना है कि क्या ये 111 से डिवाइड होगा, तो आप करना क्या, पीछे से पेयर बनाना शुरू करना है, तीन का पेयर बनाए, अब देखो बचे दो ही डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, जो बच गए से ठीक है, लेकिन पीछे से तीन का ही बनाना है, तो 85 है सीधे कह सकते हैं 085 के ऊपर ठीक है, लिख लीजिए या 26, पाँच और छः 11, आठ और दस अरे 11, ये तो 111 ही आ गया, तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई या नहीं ठीक है, इस तरीके से हम 11 का कर रहे हैं, 111 का कर रहे हैं, 1111 चेक करना होता तो भी हम इस तरीके चेक कर लेते ठीक है। क्या ये बात सिर्फ 11 पर ही एप्लीकेबल होती है, नहीं, 11 पर भी, जैसे मान लीजिए आपको 99 चेक करना है ठीक है, आपको चेक करना है किससे, 99 से, कि 99 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता, तो भी आपका ये तरीका वैलिड होगा। 999 चेक करना होगा तब भी आपका तरीका वैलिड होगा ठीक है, कैसे वो देखते हैं। बहुत छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते, जैसे एक नंबर है 198 का दो गुना होता है, इसका पता है कि हाँ जी ये क्या होता है, 98 के 99 के डबल है तो 198 होता है, इसी चेक कर लेते हैं क्या ये इस पर एप्लीकेबल है 99 से, लिए आप क्या करना है पीछे दो डिजिट लो 98 और तो 98 प्लस 1 कितना हो गया 99, ये तो इटसेल्फ ही 99 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो ही जाएगा ठीक है। 99 जो है 99 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा तो ये नंबर भी क्या है 99 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। बात समझ आई, अभी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया 4 2 7 6 8, आपको ये चेक करना है क्या ये 99 से डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे करना वो देखिए, आपको पीछे दो दो के पेयर बनाने हैं 68 27 4 ठीक है, अब इन्हें जोड़ लीजिए 68 27 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19 का 9, 6 और 2 8 और 1 9, ऑब्वियसली ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी इससे 99 से हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। हम 99 से 11 से 111 से 999 से किसी से भी चेक कर सकते हैं ठीक है, ये तरीका हमारा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। आगे अगली वाली क्लास में और डिविजिबिलिटी सीख रहे होंगे हम ठीक है,
कि और ड्यूटी 11, 13 से 3 से 17 कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है।